नलकी में रहे ना तो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। मैं चाहता था कि जीते जी तुम्हें पुरखों की विद्या दे दूं, मगर तू है कि भांड मेरासी बनने पर तुला बैठा है। बाबा, अरे ओ बाबा के बच्चे, पहले तू दूर कहीं टेकड़ी पर गाता था, अब घर की छत पर ही हेकड़ी दिखाता है। बंद कर ये बकवास, और वो देख सामने, वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि कहां है बाबा? आए, वो तो आकाश की सप्तक है। क्या आपको सास्वर फूटते नहीं सुनाई देते? सास्वर, सास्वर, अरे ओ जानकी, ओ जानकी, क्या है? अरे होना क्या था, मर गई है, जल्दी ऊपर आ। सास्वर देख, मैं सप्त ऋषि का आलाप कर रहा हूँ और ये तेरा सुपुत्र सब सुरों के मिलाप में पड़ा है। मैं कहता हूँ इसको यहाँ से ले जा, नहीं तो मैं इसकी जबान खींच डालूंगा। खबरदार, जब देखो मां धार, जब सुनो दास दपन, क्या ज्योतिष विद्या के सिवा और कोई विद्या ही नहीं है दुनिया में? यहाँ नहीं है, ये राज जो ठीक आ देगा अगर नहीं जाएगा, मेरे नाम को कलंक नहीं लगाएगा ये पितृघाती, मैं इसका गला दबा दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? तू हड्डा बीच में से जानकी, नहीं तो तुझे भी एक पड़ जाएगी। सच कहा है किसी ने कि चोर को नहीं मारो, पहले उसकी माँ को मारो, ताकि ऐसा बेटा ही न जने। वाह वाह, धन्य तेरे माता को। अबे ओ बे शर्म, सुन 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 और डूब कर शर्म से मर जा। एक वो है आचार्य का बेटा मलैया के अपने कुल की परंपरा को आगे चला रहा है, और एक तू है कि घर की विद्या को छोड़कर बाहर की विद्या के पीछे भाग रहा है। उनका बच्चा जानकी, इसको रोक ले, समझा ले, मेरी जन्म कुंडली में किसी की हत्या नहीं दिखी, मगर ये उसे कराकर छोड़ेगा चंटाल। बेस्तुर के दुश्मन, दिल से का दिल से, एक वो है जोशी का लड़का गोपाल,
जो सुरों से प्यार रचाता है, और एक तू है जो मेरे जैसे संगीतकार का लड़का होकर भी सुरों से कुश्ती लड़ता है। कुश्ती, चल बोल। लागन दे पगलागन दे पगलागन पगलागन दे लागन दे पग लागन दे पग लागन दे पग लागन दे पग लागन ला 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 लागन दे पगला आगन दे पगलागन दे पगलागन दे दे लागन दे पगलागन दे पगलागन लागन दे पगलागन दे पगलागन दे। जियो बेटा जियो, लाख बरस जियो। कितना रस है तुम्हारी आवाज में। सब देवी माँ की देन है तेरे भी। बैठो बेटा। ये क्या मलैया को बसंत पंचमी के सम्मेलन के लिए याद करा रहे हैं? हाँ बेटा, कितनी इच्छा थी कि सुल्तान टीपू के राज में चित्रदुर्ग की सरकार के यहाँ मेरा बेटा मेरी राजगायक की जगह ले ले, मगर लेकिन अभी क्या बिगड़ा है तेरे भी। अब रियाज के लिए वक्त ही नहीं रहा है बेटा, और फिर तेरे होते हुए यह मलैया वहां गाएगा भी तो क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं इस सम्मेलन में हिस्सा ही नहीं लूंगा। नहीं बेटा नहीं, तेरी माँ की भी तो आते हैं, उसकी भी तो प्यासे हैं। आप क्या बात करते हैं बाबा, गोपाल हिस्सा भी लेगा तो क्या बिगाड़ लेगा मेरा? आज जरा हमने कच्चे आमों का गुड़म्बा खाया था सो आवाज गड़बड़ हो गई, वरना रो भी दे तो गोपाल से अच्छे आवाज निकले। तुझे इतना ही वो है तो आ जाना मुकाबले में, सब ताल सुर न भुला दू तो मलैया नाम ने। बख्शी जी। जी सरकार। ये लड़का कौन है? ये नरसिंह जोशी का बेटा गोपाल है सरकार, आज के सम्मेलन में ये भी गाएगा ताकि राज गायक की पदवी पा सके। क्यों आचार्य जी, आप भी नरसिंह जोशी के लड़के को राजगायक देखना पसंद करते हैं? हाँ सरकार। अपने पुत्र मलैया को क्यों नहीं? संगीत कला में गोपाल प्रवीण है सरकार, गले में सरस्वती का निवास है, आपकी सेवा का भागी गोपाल है मेरा बेटा नहीं, आप तो आज ही सुन लेंगे सरकार। पुजारी पूजा शुरू करो। यो देवी सर्वभूतेषु विष्णुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
अरे गोपाल जाते कहाँ हो, चरणामृत तो लेते जाओ। बेटा हमें भी चरणामृत दो। पिताजी आपको गिर गया। कम गाएगा ना, जिसके गले में आवाज ही नहीं वो क्या गाएगा। आचार्य जी आप इसे राजगायक बनाना चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आता सरकार, न जाने क्या हो गया इसे। राव सामने से मल्लैया, तुम आओ सामने। ये नहीं हो सकता, जरूर किसी ने कपट किया। बेगुन गुन गाए आए अला के जाऊंगे जब पूछेंगे बेगुन गुन गाए आए बेगुन गुन गाए बेगुन गाए बेगुन गुन गाए दे बाबा की वो एक महान संगीतकार थे, इसीलिए संगीत मेरी भी आत्मा है। मैं आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानती हूँ। कई बार इस पृथ्वी पर मैंने छूट छुट दरबार में आज किसकी नजर लग गई नहीं जानती। कैसे तुम्हारा दुख बटा लो पार देखो, मैं तुम्हारा नाम भी जानती हूँ। तुम गोपाल, मैं गोपी। यकीन नहीं आता, तुम बंसरी बजा कर देखना, मैं गाती नाचती तुम्हारे स्वर समेटने चली आऊंगी, उसी तरह जिस तरह राधा। गोपाल मुझे बड़ा अफसोस है कि एकाएक तुम्हारी आवाज खराब हो गई।
मैं तो तुम्हारा दुख बताने के लिए आया था, मगर यहाँ आकर देखता हूँ कि तुम तो गांव की बहु बेटियों के साथ मूक प्रेम की साधना में लगे हुए हो। कौन थी ये लड़की? गौरी बा, तेरा ही बेटा है, तेरी ही देन है, मैं तो खिलाई, मुझे तो कुछ नहीं, लाज है तो तुझे, तेरे ही नाम का प्याला पिया उसने और होगी, अब तो वो माँ भी नहीं पुकार सकता, वो मुझे न बुलाए, लेकिन तेरा नाम तो ले सकी गौरी बा। तुमने देखा उस लड़की को जो गोपाल के साथ? हाँ सरकार, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। मल्लैया, कौन थी वो लड़की? नाम तो नहीं जानता सरकार। उसकी शादी नहीं हो सकती। हाँ, मेरी करनी है तो कर दो। कैसी बातें करते? ठीक ही तो कहता हूँ, ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है गोपाल की माँ, लिखे कि तेरे बेटे का कुछ नहीं होने का, और फिर कौन गधा है जो एक घूंगे से अपनी बेटी पे आ देगा। Thank you.
मेरे बाबा ने बेच डाली पर मैं नहीं मानी और पूछूंगी तो किससे। मेरे बाबा तो वहां बैठे हैं गंधर्वों की सभा में और मैं हूं ऐसी दुनिया में जहां हर आदमी बसंत है और हर औरत बाहर। तुम आज मुझे बिना बुझा कर सुनाओ ना, कहां है मेरी बिना तुम्हारे खोए हुए सुर वापस मिल जाए, इसीलिए तो मैंने वीणा दी थी तुम्हें। करो मलैया, वो नीच मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसने मेरी आवाज भी तो नहीं सुनी। आवाज? लेकिन मैं तो तेरी आवाज सुन रही हूँ। बोल, बोल बेटा क्या हुआ, बोल। मैं उसे जान से मार डालूंगा माँ। माँ अजी, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, सुनते हो, मेरा मेरा गोपाल। क्या हुआ गोपाल को? वो बोलने लगा, उसकी आवाज वापस आ गई। धन्य हो भगवान, ज्योतिष के हिसाब से ये काम इसी समय होना चाहिए था। ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है। धन्य हो गौरी माँ, तूने मेरी बात मानी, तेरी दया अपार है। अरे अरे गोपाल, तेरी जबान नहीं चलती तो हाथ पैर ही चलाने लगा। कहाँ है वो इस बीना के मालिक? ये तू बोल रहा है या मेरे कान बज रहे? तेरी आवाज देवी ने वापस दे दी। शायद वो लड़की ही देवी थी। वो लड़की ही देवी? मलैया दीदी तेरे बताएगा या नहीं? बताता हूँ बताता हूँ, तुझे देवी के दर्शन ही चाहिए ना, तो चल मेरे साथ, दिखाऊं तेरे देवी किस मंदिर में रहती है। मत छू ये बिना, चल। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? गोपाल जी ये तो पड़े सूजी पे चलते, तू तो बिल्कुल खुल खेलने के अंतर आई। तुझे ले जा शीतला माई, ब्याह तो सब भी करते हैं लेकिन अंधा ताना तो देख लेते हैं। वो गूंगा टुक्कर गधा तुझे ले जाएगा तो हाथ में भीख ही मंगवाएगा। अंधेर है ना, कहाँ देश भर का राजा और कहाँ दर्जा का भिखारी। एक कोने में तोल दे तो दूजा नीलामी ही बोल दे। अब तू ही सोच ले, तुझे राजा चाहिए या रंग। माँ भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अली ने बोला कैसे नहीं चाहती, मेरा नाम भी नीला सानी है, नीला सानी। अच्छो अच्छो को नचा दिया, हम कॉल कर सुन ले। अगर आप वो जोशी का छोकरा जोशी का छोकरा नहीं, नरसिंह जोशी के कुंवर जी। अच्छा
तो आप यहाँ तक आ पहुँचे कंवर जी। दान दक्षिणा लेने वाले बाप की कमाई पर ऐयाशी नहीं होती, समझे? गोपाल जी, एक जमाना था कि सारे मैसूर राज में नीला सानी के बराबर की कोई नर्तकी नहीं थी। कितने राजे महाराजे आए और अपना सब कुछ लुटा कर चले गए। हाँ जीता, वो एक गम का चांद मेरे आकाश पे आया भी पल भर के लिए। अरे मरी क्यों जाती, ले वो तो अभी गया, जा जाते क्यों नहीं? ओ, ले मैं तुझे ओढ़ देती हूँ। ओहो ठहरो, दो ही लगाती तुझा। कि ना आप तुम कभी आओगे और ना मुझे कभी बुलाओगे, पर तुमने मुझे बुला लिया। तुम मुझे नर्तकी नहीं समझते हो ना? धन्य हो गोपाल, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अपनी नजर से देखा है, समाज की नजरों से नहीं देखा। कितने अच्छे हो तुम, कि चाहता है अपने आप को तुम्हारे चरणों से निछावर कर दूं। सुना तूने, हम दोनों की बात गांव भर में फैल गई है। तुम्हें तो मालूम भी नहीं, लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। वो कहते हैं मुझे तुमसे और तुम्हें। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की बसंत बहार गाओ गोपाल। चुप चुप दहके लुटाया दिल तुझ पे, चुप चुप दहके लुटाया दिल तुझ पे। एक सुख पाया मैंने सौ दुख सहके, एक सुख पाया मैंने सौ दुख सहके। चुप चुप दहके दूर दूर गली गली अब तमाशे फैल चले। ये क्या किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे। कौन से गगन के
दिल ये मेरा लेके चले दो नैना तेरे बावदे ओ गोदी दो नैना तेरे बावदे हाथ रूठ गए दो नैना तेरे बावदे ओ गोदी दो नैना तेरे अरे ओ बालकी माँ अरे कहा बार के ये सुनती नहीं ओ गो बालकी माँ क्या बात है जी हम लुट गए हैं हमारा सर्वनाश हो गया है और तू पूछती है कि क्या बात है जी हैरान कुछ कहो तो पता चले अब कहने के लिए रही क्या गया है ये पिछल पैरा कुंडली इसकी इधर को जाती है और वो उधर को जाता है मैं ज्योतिष विद्या का माना हुआ पंडित इसने मेरे सितारों का हिसाब भी गलत कर दिया गोपाल की बात कर रहे हो और क्या मैं अपने बाप की बात कर रहा हूँ तेरे इस लाडले ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया और तो सब कुछ क्या तो किया अब एक नाटी से इस भगाने लगा है चांद पर मत फूको मेरा लाल ऐसा नहीं है बाहर निकलो तो जानो लोग अंटखंट बातें कर रहे हैं खिल्ली उड़ा रहे हैं अब इस लड़के का हाथ गले तक ही नहीं सर तक आ पहुंचा है इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है लोग तो अब यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम्हें भी ब्याह कर नहीं लाया भगा कर लाया हूँ भगवान तो फिर क्या करें लोगों की जबान थोड़ी ही पकड़ी जा सकती है हम उनकी जबान नहीं पकड़ सकते वो भले हमारी टांग पकड़ लें, पगड़ी उछाल दें, इसने तो जोशी कुल का नाम दबो दिया है कोई यहाँ तक नहीं टिकता सबके सब बाप दादा और लकड़ दादा तक पहुँच रहे हैं और ये सब दोष तुम्हारा है मेरा दोष कैसे हो सकता है तुम्हें तो जल्दी की अगर 2 घंटे इसे देश से जनती तो इसकी कुंडली ही बदल गई होती लगन बदल गया होता गोपी देख कोयल बोल रही है तुझे मालूम है कोयल होनी अनहोनी सब के बारे में जानती है तुझे इतना भी नहीं मालूम तुम कोई बात पूछो अगर वो होने वाली होगी तो कोयल कुकू करेगी और अगर होने वाली नहीं होगी चुप करेगी अच्छा तू कोई सवाल पूछ पहले तुम मैं अच्छा सोच ली कोयल काली कर्मों वाली ये बात फिर कोयल बोली क्या पूछा मैंने पूछा था कोयल काली कर्मों वाली तो संगीतकार बनूंगा तो वो और क्या पूछा तू पूछ कोयल काली कर्मों वाली कोयल काली कर्मों वाली पूछ लिया क्या पूछा था तूने कुछ नहीं बता ना बात बताने वाली नहीं छुपाने वाली है बदशगनी हो गई ना बदशगनी बदशगनी कैसी देखो तुमने कोयल से पूछा तुम्हें उत्तर मिल गया तुम्हारे स्वर सच गए और मैं अब आ गई मेरे जीवन का तो एक ही सवाल है तो कोयल ने उत्तर न देकर एक उत्तर दे दिया कि तुम मुझे मिल सकते ठीक ही तो है कहो तुम और कहो मैं पागल न बनो गोपी मैं सब बंधन तोड़ दूंगा तुम्हें पानी के लिए मगर तुम ये हिम्मत दिखा सकोगी
मैं तुझे ले जाऊंगा दुनिया उनकी आंखों से परे, जहां मैं सुनूं और तू सुनाए, मैं देखूं और तू शर्माए। क्यों आज रात को तुम स्टेज पर आ जाना और देवी माँ के चरणों में पड़े हुए दीप को जला देना। मैं दूर से देखूंगा और समझ जाऊंगा कि जिंदगी की राहों को रोशन करने के लिए तुमने दीप अपने हाथ में ले लिया है। तुम आओगी? हाँ गोपाल। इस समय कहाँ जा रहा है? जहाँ मेरा मन लगता है, जहाँ मेरा संगीत समझा जाता है। क्या मतलब? तू उस नाची के पास जा रहा है? मैं पूछता हूँ तेरा उससे क्या रिश्ता है? वही जो संगीत का नृत्य होता है, सुर का ताल से। सुल्तान के बच्चे वो चकोटा दूंगा उल्टे हाथ का कर पड़े। याद रख, अगर तू वहाँ गया तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। पहले ही कौन सी जगह थी? मैंने हमेशा अपने आप को इस घर में एक मुसाफिर ही समझा है। चुप रहो, ये घर है, कोई मुसाफिर खाना नहीं। ज्यादा बड़बड़ की तो जबान खींच लूंगा। जा शहर के उस बदराव के पास। बहुत अच्छा, आपने मेरा रास्ता और आसान कर दिया। निकल जाओ, निकल जाओ। कौन था? गोपाल। गोपाल? हाँ। क्या हुआ गोपाल? मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। निकाल दिया? हाँ। कहाँ गया वो? बाहर में गया उस नाची के पास। आज से उसका हमसे कोई संबंध नहीं। अगर उसने इस घर में कदम रखा तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, समझी? कहाँ जा रहा है तू? तेरे संगीत के लिए तूने आप की दुश्मनी मोली से जन्म ले, आज इस लड़के के लिए सब कुछ छोड़ के जा रहा है। जाना है तो मेरी लाश पे पांव रख। माँ बेटा सोच, तो दुनिया क्या कहेगी, जरा सोच। कह लिया जो कहना था दुनिया को, अब मैं उससे ब्याह करने जा रहा हूँ। माँ नहीं, 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 वापस चला आया। मरने देता इसको भी? इसका अपने हाथों से गला घोंट दे। इसका ये कसूर कम है कि तू जैसे कपूत को जन्मा है। बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई। सपनों के खबर मोरे, सपनों के खबर मोरे, चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम, सब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर।
के सागर कहते हैं तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर, झूमे झुके कभी ना बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम, कैसे हो तुम घनश्याम हे राम हे राम। बड़ी देर भई बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई बड़ी देर भई, सुन के जो बहरे बन जाओगे, सुन के जो बहरे बन जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे, मेरी बात बने ना बने हो जाओगे तुम बदनाम, हो जाओगे तुम बदनाम हे राम हे राम। बड़ी देर भई बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई बड़ी देर भई। आज आपका संगीत सुनकर मैं धन्य हो गया। कौन है बेटू, यहाँ क्या करने आया? सुरों को ढूंढता हुआ तुम्हारी शरण में आया हूँ गाय। तुम्हारी आवाज में जादू है, तुम एक महान संगीतकार। संगीतकार? मुझे गाली दी तूने? इस दुनिया में जहाँ संगीत बेचा जाता है, संगीतकार कहलाना क्यों मरने की बात है। मैं तो आपको अपना गुरु बनाने आया। अबे कान गुरु किसका गुरु, मैं तो झक मारता हूँ और गाना गाता हूँ। चल रास्ता छोड़। आओ बेटी, माँ सदके माँ वारी, अरे चुड़ैल गई तो बड़े सीधे पाँव थी, अब उल्टे पाँव क्यों चली आई? अरे मैं तो तेरा जाना भी जानती थी, अब आना भी पहचानती हूँ। क्यों, एक रात का जोखम ना था सका वो तेरा उम्र भर का सौदे वाला? कुछ पता चला उसका? सुना है कहीं जंगल की तरफ निकल गया है किसी गवैये के पीछे, बड़ा संगीतकार बनने गया है। उसका क्या दोष है चित्रा, अपने नसीब में यही पता था। कोयल ठीक ही कहती थी, वही झूठ था। आ,
भोलन के हर वोलन के हर। फिर आ गया मेरे सुर सुनाने, देखने आया है केहरी बाबा पुरिया में निखार हर कैसे लगाता है। नहीं गाऊंगा, हरगिज नहीं गाऊंगा। जा जा लड़के, तुझे लहरी बाबा से कुछ मिलने वाला नहीं। सात सरों की अर्थी सजा कर लहरी बाबा सब कुछ अपने साथ ले जाएगा, सब कुछ। पर तू तो कहती थी कि उसने कहा मैं सब बंधन तोड़ दूंगा तुझे पाने के लिए, मैं तुझे ले जाऊंगा दुनिया की नजरों से दूर, लोगों की आवाजों से परे, जहां मैं सुनूं और तू सुनाए, मैं देखूं और तू शर्माए। क्या हुआ उन वादों का? हवाओं में बिखर गए चित्रा, मरूंगी तो गवाही देंगे। हम न कर गोपी, ये मर्दवे एक जैसे होते, रुक के चोर। क्या हो गया? जाने मेरे बेटे ने कुछ खाया भी है या नहीं, सब कुछ होते होते उसके भाग में भटका, दर दर की ठोकर खाना ही चाहिए। यही तो मैं कहता हूँ, मगर तू क्यों भूली जाती है, मरी जाती है? हजार बार कह, संगीत परमेश्वर की साधना है, एक पागल का पीछा करने से नहीं मिलेगा। दूसरों के सजाए हुए सुर कभी नहीं सजते, मूर्ख इन्हें सजाना है तो खुद सजा, समझा? सब कुछ पीछे छूट चुका है लहरी बाबा। अच्छा अच्छा, अब सोने दे। सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सुना, सुर के बिना जीवन सुना, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सु...
के बिना जीवन सुना सुधना सजे। जलते गया जीवन मेरा, जलते गया जीवन मेरा, इस रात का न होगा सवेरा, इस रात का न होगा सवेरा, सुधना सजे क्या गाऊं मैं सुर के बिना, जीवन सुना सुर के बिना, जीवन सुना सुर ना सजे। लगाए गीतों से रिम झिम रस बरसाए, संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिम झिम रस बरसाए, पल की साधना, पल की साधना परमेश्वर की, सुरना सजे क्या गाऊं मैं सुर के बिना, जीवन सुना सुर के बिना, जीवन सुना सुरना सजे क्या गाऊं मैं सुरना सजे। तो बहुत अच्छा गाता है रे, तुम वापस आ रहा। मैं सब बंधन तोड़ सकता हूँ मगर ये कमबख्त सुर का बंधन ऐसा है जो मुझसे तोड़े नहीं टूटता। तो तुम मुझे सुर ज्ञान दोगे? गोपाल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी अपने साथ चिता पर नहीं ले जा सकता। मैं तुझे संगीत दान दूंगा मगर उसके लिए तुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। देगा? मेरा सब कुछ तुम्हारा है जैसी बाबा। तो मेरे चरणों को छूकर शपथ खा। प्रणम्य शिरसा देवो सरस्वती विनायको विचिन्त्य मनसा विष्णुं कर्तव्यं कर्तुमारभे। Thank you.
तू तो मेनका से भी बढ़ गई है गुप्पी, ऐसे ही बबेला किया करती थी। मैं नाच नहीं सीखूंगी। मैं तो कहता हूँ नीला सानी, सरकार जब ये बहार देखेंगे तो गद गद हो जाएंगे। ये तो ठीक है, लेकिन सरकार तो इससे कटे बैठे हैं। ऐसी बच्चों की सी बातें करती हो। ये कला, ये रूप क्या कहता है? कहता है परे हट जाओ, यहाँ सरकार का कोप क्या करेगा। रामदुर्ग में बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जरा मुझे लौट आने दो। हाय कब तक लौटोगे मलैया जी? यही 4-6 दिन लग जाएंगे। राजा नायक के दरबार में देश भर के बड़े बड़े संगीतकार इकट्ठे हो रहे हैं, डट कर मुकाबला होगा। पर कौन माई का लाल है जो मलैया के सामने जम सकेगा। ए, 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 ए। खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपन कंत गौरी गरवाल गाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, के तकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, गल गल कुंज कुंज गल गल कुंज कुंज गुन गुन लोकी गुंज, राग रंग अंग अंग छेड़ कर सियाल नंग, कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले, जेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, जेत की गुलाब जूही गुलाबी चंपक बन फूले, केत की गुलाब जूही चंपक बन चंपक बन फूले, ये तो बसंत अपनो कंत गोदी गरबा लगाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले पी के, अब जूही चंपक बन फूले, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोदी, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी रसाय ददनी रसाय मदनी रसा निद पाय, दम गग निगम गर सा ससमा गगा मनी
ददनी नी निमा मनी निमा दे मदनी दरे ददनी मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बदियों से गोरी चित चुराए हंसत जाए चित चुराए हंसत जाए चोरी कर सिर झुकाए शीश झुके चल लट गालन को छूले गालन को छूले केत की गुलाब जो चंपक बन फूले केत की गुलाब जो चंपक बन फूले केत की गुलाब जो नाम है तुरा गोपाल जोशी। गोपाल जोशी तुम्हारा संगीत सुना, धन्य हो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि ये संगीत सम्मेलन सुल्तान टीपू के फिरंगियों के विरुद्ध लड़ाइयों में जीत की खुशी में मनाया जा रहा था। सुल्तान खुद इसमें शरीक होना चाहते थे लेकिन राजनीतिक कार्यों में उलझे होने के कारण पधार नहीं सके। लेकिन मैं उनकी तरफ से अपने राजगायक सदानंद बुआ की मूर्ति देते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आज तक इस मूर्ति को जीतने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। गोपाल जोशी, ये मूर्ति और 5,000 मोहरे स्वीकार कर। जो आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, मैं सरस्वती माँ की मूर्ति तो स्वीकार करता हूं, मगर ये मोहरे मैं नहीं। सच्चे सुर को न सोना खरीद सकता है और न किसी की नादिशाही उसे बांध सकती है, यही मेरे गुरु का आदेश है। धन्य है वो गुरु जिसने तुम्हें ऐसी शिक्षा दी। बाबा बाबा, देखो मैं सरस्वती माँ की मूर्ति जीत कर लाया हूँ, तुम्हें तो मुझसे कहा था मूर्ति जीत कर लाऊं। बाबा हाँ बाबा, ले आया मूर्ति वापस। वापस वापस कैसे? वो तो रामदुर्ग के सदान बुआ थे जिन्होंने मूर्ति जीती थी और फिर एक नरसिंह की खातिर खो बैठे। वो सदा रंग बुआ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये मोहरों की थाप पर नाचने वाली रंग रूप की पुतलियां किसी की उम्मीद नहीं होती गोपाल, किसी की उम्मीद नहीं होती। लेकिन सभी तो एक सी नहीं होती बाबा। अरे सभी एक सी होती है, सभी एक सी होती है। बाबा अगर तुम सत्ता की थोड़ी सी तकलीफ कर सको तो हम लोग चित्र दुर्ग चले, मैं वहां तुम्हारी सेवा करूं। गोपाल, अरे ओ गोपाल, याद है तूने गुरु दक्षिणा
तेरे का वायदा किया था। अब समय आ गया, मुझे गुरु दक्षिणा दे दे। नहीं बाबा, मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही दिया हुआ है, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम मांगो तो सही। सुनो गोपाल, मेरी एक बच्ची थी, चंद्रा नाम था उसका, वो छोटी सी थी जब उसकी माँ चल बसी। कुछ अरसे बाद मैं एक नर्तकी के माया जाल में फंस गया। एक दिन वो नर्तकी उस बच्ची को लेकर भाग गई। मैं बड़ी शांति से मरूंगा गोपाल, सिर्फ इतना वचन दे दे कि तू एक दिन उसे ढूंढ निकालेगा और उससे ब्याह कर देगा। ब्याह कर लो उससे। उसके सिर्फ एक ही निशानी मेरे पास रह गई, लेकिन मैं उससे ब्याह नहीं कर सकता। गुरुदेव, ये वचन मैं नहीं दे सकता। क्या कहा? तू ये वचन नहीं दे सकता? तू गुरु दक्षिणा का वायदा कर चुका, मुझे और कुछ नहीं मांगते। तू लेकिन गुरुदेव, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं गोपी को प्यार करता हूं, मैं उसको वचन दे चुका हूं कि जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ। नीच, तूने एक बूढ़े को धोखा देकर उसका हम कुछ छीन लिया। जा जा, जिस सच्चाई से मैंने तुझे संगीत सिखाया उसी सच्चाई से मैं तुझे शाप देता हूं, मेरा दिया हुआ संगीत तुझे कभी नहीं मिलेगा। लहरी बाबा, जिन होठों से मुझे श्राप दिया था, अब उन्हीं होठों से तुम मुझे आशीर्वाद दो। तुम्हारी चंद्रा और मेरी गोपी एक ही है, लहरी बाबा, मैंने तुम्हें मार डाला, अपना श्याप वापस ले लो बाबा। गोपाल आया है? हाँ, आया है तो हमें क्या? कौन आया है? गोपाल आया है, बुला लूं अंदर। इस घर के दरवाजे सभी जन पर खुले हैं, जो भी जेब भर कर लाए छमछम चला आए। अब फिर अब इधर लपक उधर छपक वाली बात तो रही नहीं, सीधा दरार पर दुकानदार वाला रिश्ता है। चित्रा, जाकर कह दो तो गोपी की सूरत देखने के लिए 5,000 टके लगते हैं। अरे इधर उधर क्या देख रही है? जो कुछ मैं कहती हूँ जाकर कह दे। तुम गोपी कह देना, मिलना उसे, मुझे नहीं।
गोपाली, क्या बात है बेटा, इतने दिनों बाद घर आया है फिर भी उदास बैठा है। कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं कैसे, मैं सुबह ही से देख रही हूँ तेरे मन में जरूर कुछ उथल पुथल मच रही है। नहीं तो माँ मुझे कुछ रुपए चाहिए। रुपए? क्यों दूं रुपए, तू मुझे क्या देता है ये? कुछ नहीं, क्या दुख भी नहीं देता। ओ मेरी भोली माँ, बेटा माँ को दे ही क्या सकता है, वो खुद माँ की देन है। माँ सदा की दाता, बेटा सदा का पिता। नहीं रे, तू क्या जाने बेटा होकर तूने मुझे क्या दिया है, सिवा तेरे बाबा की इस दुनिया में मुझे कोई जान के नाम से जानता भी है? सभी पुकारते हैं गोपाल की माँ, गोपाल की माँ। जहाँ जाती हूँ, जहाँ बैठती हूँ, तेरे ही गाने के चर्चे होते हैं। एक मैं ही अभागन हूँ जिसने दो बोल भी नहीं सुने। क्यों रे, कभी मुझे भी सुनाएगा या नहीं? सुनाऊंगा क्यों नहीं माँ, मुझे संगीत मेरा नहीं तेरा ही तो है। जब सब मुझसे आशा छोड़ बैठे थे तब तेरे ही विश्वास, तेरे ही प्यार ने मुझे संगीतकार बनाया। तुझसे अपनी सरगुन छुपा कर मैं कहाँ जाऊंगा, मगर इसमें तू रुपयों की बात करूं। काहे के लिए चाहिए तुझे रुपए? ये मत पूछ, बस इतना समझ ले मुझे अपने गुरु का कर्ज था। कितने चाहिए? यही कोई 5,000। मैया जी, 5,000 में कहां से लाऊं? पर हाँ, पिताजी ने मेरे सुहाग के जेवर पड़े हैं, उन्हें बेच दे और काम चला ले। हाँ, सुहाग के जेवर? पर सुन, अपने बाबा को न बताना, नहीं तो वो मुझे इस घर में न रहने देंगे। माँ, नहीं नहीं, गोपाल, गोपाल, अरे कहाँ छिप गया? अभी तक बच्चों की तरह लाड़ करता है। अरे निकल भी आ, जन्म जले, अब इस उम्र में मुझसे आंख मिचोली नहीं खेली जाती। ये लीजिए मलैया जी, सब देवरात तैयार है। मगर भाई हमें भी तो गाना सुनवाओ गोपी का। अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इन जोरों की माधो शेट्टी। आए, सरकार की मोहरें तुम्हें वापस करनी पड़ेंगी। ये क्यों मलैया जी? गोपाल के चित्रदुर्ग में वापस आ जाने से सौदा कुछ बिगड़ गया है शेट्टी। आ शेट्टी जी, अजी ओ शेट्टी जी। क्या नाम वो आया? वो कौन बे? अजी वही के ना, वो सानी सानी पा पानी का गाना दो गो गो। अजी वो गोपाल का है शेट्टी। कहता है कि 5,000 मोहरे खर्च देंगे। 5,000 मोहरे? उसके बाप ने भी कभी 100 मोहरे देखी है? अरे चुड़ियम पुलियम आजी, जाके पूछो गिरवी रखने के लिए लाया है कुछ? ये वर कुछ जायदाद? कुछ नहीं लाया शेट्टी। कहता है कि जबान पे भरोसा करके दे दो। अरे जबान हिलने से क्या लक्ष्मी प्रकट होती है, मना कर दो जी। क्या गजब कर रहे हो शेट्टी जी, सुना है कि गोपाल की जबान पे सरस्वती का बात है। आखिर गुस्से में कुछ उल्टी चीजी कह गया तो पंटा धार हो जाए। पंटा धार हो जाएगा? अजी आप खुद ही सोच लीजिए चेंटी, कनब ले दे कि आपकी एक तो बालक है और वो भी बीमार है। और भगवान ना करे कहीं वो चुलियम पुलियम, तो फिर कैसे निकलूं इस मुसीबत से? अजी पैसे दे दो। अरे पैसे कैसे दे दूं, पैसे 5,000 टके हैं, 5,000 कोई मजाक है क्या? आपकी पर्ची है शेट्टी, मुझे तो कुछ कनम ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बुरे दिन आ गए। मैं जाऊंगा। सुना तुमने शेट्टी, मेरी बात सुनो। तो क्या शेठ जी को मेरी जबान पर विश्वास नहीं? अब बात यह है गोपाल जी के सरस्वती में और लक्ष्मी में बड़ी अनबन है आपस में। इस तरफ जबान हिलाने से लक्ष्मी प्रकट नहीं होती। चुलियम पुलियम बको मत,
ठीक तरह से हिलाई जाए तो लक्ष्मी भी प्रकट हो सकती है। गोपाल जी, हम तो व्यापारी आदमी हैं। आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी? माधव शेठ, मेरे पास कुछ भी नहीं आए, और प्यार सिर्फ मैं अपने संगीत को करता हूँ। अरे बस, तो फिर संगीत को गिरवी रख दो 5,000 मोहरों के लिए। संगीत गिरवी रख दो? देखने के लिए 5,000 टके लगते हैं। हाँ, अरे भाई, जब तक तुम कर्ज नहीं चुकाते, बगैर हमारी इजाजत के तुम कहीं नहीं गा सकते। तुम्हारी आवाज के हम मालिक, समझे? नहीं समझे? समझ गया शेठ। चुल्लियम पुल्लियम जल्दी से लिखो कागज। क्या सोच रहे हो गोपाल जी? अरे भाई, आन वालों ने तो मूछ का पाल तक गिरवी रख के कर्ज लिया है। माधव शेठ, मैंने अपना संगीत कभी नहीं सोचा, और उस दिन 5,000 मोहरे इनाम में लेने से भी मैंने इनकार किया। 5,000 मोहरों का इनाम ठुकराकर बेवकूफ थी तुमने। और आज संगीत गिरवी रखकर पाप कर रहा हूं। शेठ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कहां है तुम्हारा कागज? चुल्लियम पुल्लियम जल्दी से लाओ कागज। सौदा तुम्हारा बुरे सरकार की। मैंने तो भजन गाने वाले को भी आज तक एक कौड़ी नहीं दी। गिन लो 5,000 टके। अरे यहाँ हाथों से नहीं, नजरों से गिनते हैं, पलकों से तोलते हैं। बिटिया, जोशी जी के कमर को बड़ी इज्जत के साथ बिठाओ। जाओ जाओ मेरा लाल। मैं आपकी सेवा नहीं करूं या संगीत से? मैं तो तुम्हें तो कुछ सुनाने आया हूँ गोपी। 5,000 मोहरे लेकर? पहले तो कभी नहीं देनी पड़ी थी। उस वक्त मैंने आपके शब्दों की कीमत धन से नहीं, मन से की थी। अब भी मेरे सामने बैठकर मन से मन को तोड़ लोगोगे? एक मन ही पाओगे, दो नहीं। यहाँ मन की पूजा नहीं होती, धन की पूजा होती है। यहाँ मन से मन नहीं मिलाए जाते, सुर से सुर मिलाए जाते हैं। बिना अंदर लो। एक बार अपने मन से दी थी, आपने लौटा दी। आज आपने कीमत मेरी दी है, बिना की नहीं। चुप रहो। आइए मलैया जी, ये आइए नवाब साहेब। ओ शेट्टी जी, आइए आइए। गोपाल जी जा रहे हैं? शायद गोपी जी से अच्छे अच्छे सुर और अलाप सुन चुके हैं। अचरज की बात है, संगीतकार को अपना गाना बंद करके दूसरों का गाना सुनने का शौक हो गया है, और वो भी अपना धन लुटा कर। सुनो, उसे इस तरह छोड़कर भागे जा रहे हो? अरे ओ चित्रा, कहाँ मर गई? आती हूँ। कर गया रे
कर गया मुझ पे जादू, सवरिया कर गया मुझ पे जादू। ये क्या किया रे वजब किया रे, चोर को समझी मैं साधू, सवरिया कर गया मुझ पे जादू। कर गया रे कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू, सवरिया कर गया मुझ पे जादू। नजर है हमारी तरफ से, बस अपने को तो अप्सराओं के दर्शन हो गए। मालूम होता है संगीतकार जी को गाना पसंद नहीं आया। कोई जेब खाली थोड़ा ही है गोपाल जी की, कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। वाह वाह, जीते रहो गोपाल जी, जीते रहो। ये आधी रात गए जवान लड़कियों ने चोरों का पीछा करना कब से शुरू कर दिया? मत सताओ गोपाल, मत सताओ। बताओ ये पाजर तुमने कहाँ से पाए? मेरे बाबा कहाँ है? मेरे बाबा अभी तक जीवित है? मेरे बाबा कहाँ है? मेरे बाबा कहाँ है? बताओ मेरे बाबा कहाँ है? मेरे बाबा कहाँ है? पिछली एकादशी तक तुम्हारे बाबा जीवित थे,
लेकिन ये देखने से पहले कि उनकी लड़की ने मोहरों की थाप पर नाचना शुरू कर दिया है, वो परलोक से धार। बाबा फिर चले गए, बाबा फिर चले गए। हाँ गोपी, रामदुर्ग के सदानंद बुबा को अपने गीतों का सब मिल गया। मैं भगन यही समझती रही कि बचपन में बाबा गुस्सा है मेरे सर से उठ गया था। मुझे क्या मालूम था कि मैं, मगर माँ ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? गोपी, नीला सानी तुम्हारी माँ है। ये आप क्या कह रहे हैं? नीला सानी मेरी माँ नहीं है। ये एक बहुत लंबी कहानी गोपी, तुम्हारी खातिर वो किस तरह दर बदर भटकते रहे। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं तुम्हें खून निकालू। हाथ थाम दो तुम्हारा। तुम्हारे जीवन में एक बार फिर बसंत आया है। गाओ गोपाल गाओ, आज मिलन की खुशी में वो मंगल गीत गाओ, सरों में मैं अपने बाबा का प्यार और तुम्हारी क्षमा सुन सकूं। नहीं गोपी, मैं गा नहीं। ऐसी ऐसी बातें मत करो, तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे। नहीं गोपी, ये बात, ये पापी सरकार की हुकूमत है। यहाँ ना शरीर अपना, ना आत्मा, ना संगीत। गोपी चलो यहाँ से कहीं दूर भाग। एक दफा तुम मेरा और यकीन कर लो, फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें लेता नहीं। कल रात में तुम्हारा यही इंतजार करूंगा, तुम आओगी ना? गोपाल, जा रे जा।
जैसे अब झूठी बचिया जा जाने जा जा बाल जा जा रे जा। कहिए जोशी जी महाराज, लड़कियां पसंद आई? अरे अरे चिप 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 चिप, ये आप कैसी बातें करते हैं सरकार? कैसी बातें कर रहा हूँ? हम इस देश के राजा हैं, इसलिए ये प्रेम का कारोबार सबके सामने करते हैं, तुम सबके सामने नहीं करते हो। बस ये मिथ्या अभियोग मुझ पर नहीं लगता सरकार। खामोश, बड़े बगला भगत बनते हो। अब भी जाओ और देखो, हमारा बेटा एक नाचने वाली लड़की की पूजाओं में पड़ा है। उसने उस नर्तकी के लिए अपना धर्म और अपना संगीत भी माधुशेटी के गिरवी रख दिया है। महाराज हाँ, अगर हमारी बात पर विश्वास न हो जाओ और पड़ताल कर लो। कबूतर की तरह आंखें बंद कर ये न कहो कि तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जान खतरे में नहीं है। तो श्रवण बेटा है मेरा, सोचा था मुझे तीर्थ यात्रा ही करा लाएगा, पर मालूम होता है वो अपने भाग में नहीं। क्यों नहीं माँ, तू अच्छी हो जा, मैं तुझे तीर्थ करा लाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन आधा तीर्थ तो मेरा यही है। तू मेरे पास बैठकर मुझे एक भजन सुना दे। भजन सुना दे? हाँ बेटा, मुझे भी देवी माँ के दर्शन हो जाए, मेरा भी जीवन सफल हो जाए। माँ भजन मैं तुझे फिर कभी सुना दूंगा, आज मेरा जी अच्छा नहीं है, मेरा गला खराब है। अब तू इसका भजन कभी नहीं सुन सकेगी जानकी, तेरे लिए इसका गला हमेशा खराब रहेगा। ओ दुर्मते दुर्गते दुर्व्रते दुर्वचने दुर्लक्षणे दुर दुर दुर। वाह क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, के कोष का ही पन्ना फूल गया। ओ दुश्चरित्रे दुश्चलने, कहीं चार आदमी में खड़ा होने के योग्य तो रखा नहीं, और ऊपर से कहता है कि बाबा के कोष का पन्ना खुल गया है। संगीत को अपनी मां समझता है और उसे भी माधो छेत्री के पास गिरवी रख के पैसे उस निशाचरी गोपी को दे आया है। निशाचरी नहीं, वैच्चा, वैच्चा। बाबा के बच्चे क्या कर रहे हो तुम? बीच में से हट जाओ जी, मैं कहता हूँ, आज मुझे इससे फैसला कर लेने दो। तू क्या जाने, अब तो जान के भी लाले पड़ गए हैं। सरकार ने बुलाया, चचा देखा ना खाया और मौत का परवाना हाथ में दे दिया, और ये सब इस मिथुन जन्म में संगीत सम्राट के कारण। क्यों हाथ उठाते हो, क्यों गालियां सुनाते हो? तुम्हारे 18 बरस हुए मैं मर चुकी, मुझे भगा कर ले आई और माँ बन बैठी। गोपी, मैं सब जान चुकी हूँ लीला सानी, मैं जिस बाप की बेटी हूँ उसकी आखिरी इच्छा मान चुकी हूँ। चली जाओ यहाँ से। गोपी, माँ के पवित्र नाम पर कलंक न लगाओ। तुमने माँ बनकर जो कुछ मुझसे चाहा वो न कभी हुआ है और न कभी होगा। मालूम होता है सदानंद की आत्मा तेरे सर पर चढ़ के बोल रही है, देखती हूँ। आप, मैं गोपाल की माँ हूँ। धन्य भाग है मेरे, जिन चरणों की सेवा करने जा रही थी उनके दर्शन यही हो गए। और मैंने भी वो भोली सूरत देख ली जो बहु बनकर माँ की छाती ठंडी कर सकती है, मगर बेटी, मैं किसी नर्तकी की बेटी नहीं हूँ माँ। लेकिन दुनिया तो ये नहीं जानती, और तू भी नहीं जानती बेटी, कि तेरी और गोपाल की जोड़ी मेरे सुहाग को बर्बाद करेगी। सरकार गोपाल के पिता की जान के लागू हो रहे हैं, क्या तू मेरा घर बर्बाद करके अपना घर बसाएगी बेटी? नहीं माता जी। तो फिर गोपाल को छोड़ दे बेटी। छोड़ दे, ऐसा मत कहो,
मत करो माता जी। मरते समय मेरे बाबा मेरा हाथ उन्हीं के हाथ में दे गए थे, वो मुझे छोड़ दे, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरे लिए नहीं तो उसके अपने भले के लिए उसे छोड़ दे बेटी, उसकी राह में रुकावट मत बन। मैं रुकावट उनकी राह में? तू जानती है बेटी, संगीत ही उसका जीवन है, लेकिन तेरे लिए उसने वो भी छोड़ दिया है। बता, कभी गाया है उसने तेरे सामने? नहीं, गाया तो नहीं। जानती है किस लिए? किस लिए माँ? तुझे 5,000 तक के देने के लिए। उसने अपना संगीत माधव शेट्टी के पास गिरवी रख दिया है। गिरवी? संगीत से ज्यादा अब वो तुझे प्यार करने लगा है। तू मेरे बेटे से सच्चा प्यार करती है तो उसे छोड़ दे बेटी। तू जन्म जन्मांतर की बहू मेरी, पर मेरे इस जन्म के पोते तेरे मस्तक में नहीं लिखे हैं बेटी। मैंने अपनी किस्मत अपने हाथ से नहीं लिखी, दुख जाइए, पत्नी को उसका सुहाग दे दिया, माँ को उसका बेटा, कलाकार को उसकी कला दे दी। कल को लोग ये न कहे कि गोपी एक नाची थी, वो प्यार ना कर सकी। वो 5,000 मोहरें लौटा दो गोपाल जी की। क्यों? उनकी आवाज उनका संगीत बंधक है, उसे छुड़ाना है। यहाँ तो पैसे लेना जानते हैं, देना नहीं। इसी तरह देने लगे तो हमारा क्या होगा? हमें तो कोई गिरवी भी नहीं रखेगा, मगर तू तो बेटी नहीं ना हमारी। जा जा, कर ले बंदोबस्त। गोपी, तुम आई क्यों नहीं? मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। अब जाना कि इंतजार की घड़ियां कितनी कड़वी होती हैं। एक बार चलने के लिए कहा था, तुम खुद नहीं आए, आज मैं नहीं आई, हिसाब बराबर हो गया। अब आप चले जाइए यहाँ से। गोपी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अब तक आपके 5,000 टकों का मूल देती रही, अब आपके टके खत्म हो लिए, जाइए यहाँ से। चलिए मलैया जी। आखिर तुम आ गई हो। आपके चरणों की दस्त सरकार, मैं गई ही कहा। खैर जाने दो बीती बातें, कोई ऐसा फड़कता हुआ गाना सुनाओ गोपी कि खुशियां लपक जाएं, पत्ता पत्ता कली कली जवान हो जाए। जो हुकुम सरकार, पर ये जादू जगाने का दासी को क्या मिलेगा? कहो क्या चाहिए तुम्हें? बस 5,000 टके सरकार। ये रहे। ऐसी भी क्या बेसब्री है सरकार? पहले तुम मेरी हो जाओ फिर देखो। पहले मुझे अपनी जरूरत पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी हो जाऊँ। मैं वचन की पक्की हूँ सरकार, शिवरात्रि को। नहीं गोपी, शिवरात्रि बहुत दूर है, आज अभी इसी वक्त तुम मेरी हो। अब तुम मेरे चुंगल से बचकर बाहर नहीं जा सकती। मैं जानता हूँ गोपी, ये 5,000 टके तुम किस लिए चाहती हो? सरकार। गोपी। सरकार। सरकार आला। कौन है?
बेअदबी माफ। फरमा रवाए सतनते खुदादाद हजरत टीपू सुल्तान दुर्ग में तशरीफ लाए हैं और आपको दरबार में याद फरमाया। गोपी तुम पीछे दरवाजे से भाग जाओ, अपना वचन याद है ना? भागो भागो। अहालियाने चित्रदुर्ग, आपके इस दुर्ग पर कब्जे के सिलसिले में हमें कुछ कहना है। यह दुर्ग आपका है, हमने इस पर कब्जा इसलिए नहीं किया कि इसे सल्तनत के फदादाद का एक हिस्सा बना ले। हमारा मकसद है तो सिर्फ इतना कि यह रियासत जो साजिशों का अड्डा बनी हुई, जिसके लोग लालच में आकर कौम का मफाद भूल गए, वतन फरोशी पर उतर आए और जिसका हाकिम ऐशो इशरत ने पड़ा हुआ मुल्क इस मोर्चे का शिकार हो रहा था, अपनी हिफाजत के दायरे में ले लिया ताकि बाहर की कोई ताकत हम पर हमला न करने पाए। हिंदुस्तान की तारीख के वर्क हमारे सामने हैं। इन्हीं साजिशों, वतन फरोशियों और हविसरानियों ने इन औराक को परेशान कर रखा है और हम छोटी छोटी सरदारियों और फिरकों में बटे हुए हैं। इसी बेतफाकी ने हमेशा बाहर के लोगों को हमारे मुल्क पर हमला करने की दावत दी और आज भी सात समंदर पार का फिरंगी हमारा घर लूटने चला आया है। हम पूछते हैं, ऐसे वक्त में भी आप गफलत की नींद सोते रहेंगे? अहालियाने चित्रदुर्ग, आप हिंदू हो या मुसलमान, एक ही माँ का खून आपके रगों में दौड़ता है और वो माँ है सरजमीन हिंद। बेशक भाई भाई आपस में लड़ा करते हैं, मगर जब बाहर का कोई भी आदमी उन पर हमला करने आता है वो माँ की इज्जत बचाने के खातिर एक हो जाते हैं। हम हिंदुओं से कहते हैं केसरी बाना पहन लो कि हमारी माओ की इज्जत खतरे में है। हम मुसलमानों से कहते हैं सर पे कफन बांध लो कि हमारी बहनों की इस्मत को अंदेशा है। आज हल्दी घाट की याद ताजा कर लो, आज करबला की शहादत को दोहरा दो। हमले के वक्त हिंदू और मुसलमान का खून चित्रदुर्ग की गलियों में एक हो जाए और फिरंगी को यकीन दिला दो कि वो हमारी लाशों ही पर कदम रख के हमारे घर में दाखिल हो सकता है। हम अपनी तरफ से चित्रदुर्ग की रियाया को यकीन दिलाते हैं कि इस आर्जी कब्जे के बीच उनकी जान, उनके माल, उनकी दौलत, उनकी जायदाद की पूरी हिफाजत की जाएगी। उनकी माओ, उनकी बहनों, उनकी बहुओं, उनकी बेटियों के सामने हमारा कोई भी सिपाही जाएगा तो आंख नीचे करके बात करेगा। अलबत्ता इस नाजुक वक्त में जो शख्स गद्दारी का सबूत देगा उसको संसार कर दिया जाएगा। जो आदमी रियाया में बदमनी, बेतमिनानी, बेतफाकी फैलाएगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। जो आदमी हमारे हुक्म के खिलाफ गर्दन उठाएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। सरकार, मैंने सुल्ताना का दिल बहलाने के लिए गोपाल का नाम पेश कर दिया है, अब देखिए तमाशा। ये रही, ले लीजिए। ये पीर से घोड़ा पिता फिर के बोलो है कि नहीं? जाइए, हम नहीं फिरते। जोर से चित्रदुर्ग के गोपाल गाय का संगीत सुनवाने की इल्तिजा की थी, जंग की मोहरे बंद वो भी भूल गए। नहीं बेगम नहीं, कल सुबह मोर्चे पे जाने से पहले हम सरकार से कहलवा देंगे कि वो तुम्हें गोपाल का संगीत सुनवा दे। लेकिन हुजूर, शायद ये इतना आसान नहीं जितना हुजूर बदौलत इसे समझ रहे हैं। सुना है वो बहुत ही मगरूर और सख्त आदमी है, अपनी मर्जी के बिना कहीं नहीं गाता। यहाँ किसकी मजाल है जो हमारा फरमान सुने और हाथ बांधे न चलाए? अगर उस लड़के ने हमारे हुक्म की नाफरमानी की तो उसको इस बात की वृतनाक सजा दी जाएगी। गोपाल गायक हाजिर है सरकार। लड़के, मालूम होता है तुम दरबार के नियम भी नहीं जानते। सर झुकाओ और कॉर्निश बजा लाओ। ये सर देवी माँ के आगे झुकना जानता है, किसी और के सामने नहीं। तमीज से बात करो, ये शाही दरबार है, जानवरों का बाड़ा नहीं। जानवरों का बाड़ा न होता तो आप मुझसे इंसानों की तरह बात करते। बंद करो ये जबान, शाही फरमान है। देवी माँ की दी हुई जबान किसी फरमान से बंद नहीं होती। जानता भी है तू किसके हुक्म से मुंह मोड़ रहा है? वक्त टीपू सुल्तान दुर्ग के हाकिम है। सुल्तान दुर्ग के हाकिम है तो देश की रक्षा के लिए, किसी की आजादी कुचल देने के लिए नहीं। तो
तुम्हें बहस के लिए यहां नहीं लाया गया। सुल्ताना अपने महल में तुम्हारा संगीत सुनना चाहती, कहो कब गाओगे? सुल्ताना मेरा संगीत सुनना चाहती हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है, और मैं किसी के हुक्म पर नहीं गाया करता। जानते हो सुल्तान का हुक्म न मानने की सजा क्या है? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम जैसे हजारों गायक दरबार के एक इशारे पर नाचते हुए पहुंच जाते होंगे, पर मैं नहीं। मेरा संगीत किसी की प्रजा नहीं, मेरा संगीत मेरी माता के समान है। अगर सुल्तान मुझे तिल तिल काटने का भी हुक्म दे दे तो भी मेरी माता का नर्तन एक राजा के रनवास में नहीं होता। बंद करो ये बकवास। अगर तुम एक नर्तकी के लिए अपना संगीत माधव शेट्टी के पास गिरवी रख सकते हो तो राजा के रनवास में भी गा सकते हो। आपकी मालूमात की मैं दाद देता हूं सरकार, पर आप ये भूलते हैं कि हमारे संगीत की दुनिया में गुरुदक्षिणा नाम की चीज भी होती है। शरीर का सौदा करने वाले जालिम हाकिमों से अपने गुरु की बेटी की रक्षा के लिए अगर मैंने अपना संगीत गिरवी रख भी दिया तो कोई ऐसा पाप नहीं किया कि आपकी आज्ञा पर मुझे गाना पड़े। शायद तुम ये नहीं जानते, जिस संगीत पर तुम इतना इतरा रहे हो उसे उस नर्तकी ने 5,000 टके देकर माधव शेट्टी से खरीद लिया है। गोपी ने मेरा संगीत खरीद लिया है? नहीं तो शायद तुम ये भी नहीं जानते कि जिस नर्तकी पर तुम्हें इनाम मान है उसे सरकार ने खरीद लिया। कल शिवरात्रि को वो सरकार के खास महल में गाएगी, नाचेगी। गोपाल गायक, अब तुम्हारे संगीत के मालिक सरकार है, उनकी आज्ञा से तुम्हें सुल्ताना के सामने गाना ही पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। खैरो, जाने से पहले हमारा हुक्म सुन लो। तुम सुल्ताना को गाना सुनाने से पहले कहीं नहीं गा सकते, और अगर कल तक तुमने सुल्ताना के हुजूर में न गाया तो तुम्हारी जबान काट दी जाएगी। जिस जबान पर सरस्वती का निवास हो सरकार, उसे कोई छू भी नहीं सकता। माधुशेठी, क्या ये सच है कि गोपी ने 5,000 मोहरें देकर मेरा संगीत छुड़ा लिया है? हाँ भाई हाँ, बड़े भाग्यवान हो, भगवान करे ऐसी गोपी सबको मिले। जी, हमने तो उसकी सुंदर सुंदर सूरत देख के सूद दिया। गोपी की मोहरें लौटा दो, कर्जा मैंने लिया है, मैं चुकाऊंगा। तुम सिर्फ मुझे एक बार देवी माँ के मंदिर में गाने की इजाजत दे दो। भाई इजाजत तो उससे मांगो जिसने मोहरें चुकाई हैं। हमसे तो गोपी सिर्फ ये कागज लौटा दे को कह गई है। तो भाई ये ले जाओ अपना कागज, ये लो। बहुत दया की गोपी ने, बहुत दया की। मेरा संगीत एक नर्तकी की बोली पर नीलाम हो गया। माँ, सब लोग यही कह रहे हैं कि मैंने तेरी दीदी विद्या को एक नर्तकी के हाथ में बेच दिया। मैं भी कितना नीच हूं मैया, आज मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता पार्वती मैया, सिर्फ इतना बल दे दे। मैया ने तेरी सुन ली गोपी, ले देवी मैया के फूल। और मैं देवी सबके लिए एक है गोपी, माँ के प्रसाद से हाथ नहीं खींचा करते। ले देख गोपी, मैं जानता हूँ तेरे मन की मुसीबत सब पर आती, पर देवी मैया सब पर दया करती है। मर गई सरकार, मगर बाबा ने तो कहा था गोपी, अगर सरकार ने तुझे इस वक्त यहाँ देख लिया तो भाग जा, भाग जा। मगर पूछ के फूल तो दे दिया, मगर ये फूल, मगर इस वक्त दूसरे कहाँ से दूंगा, भाग जा। मलैया, इस समय और इतनी रात के ये नर्तकी मरने आती दिन में पुजारी देवी की पूजा करता है और रात को पुजारी की पूजा ये नर्तकी। कौन थी ये लड़की जो अभी यहां से भागी? नहीं तो सरकार, बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं इस पवित्र स्थान को तुमने रंगरेलियों का अड्डा बना रखा है।
नहीं सुल्तान, इस वक्त यहाँ कोई लड़की नहीं। चलो पूजा शुरू करो। वीरन्ना, ये पूजा के फूल है? जी जी सरकार, ब्रह्म मुहूर्त में संचित किए हुए ये पूजा के फूल है सरकार। कोई लड़की नहीं थी तो इन पूजा के फूलों में बाल कहाँ से आ गए? बाल? हाँ बाल। मालूम होता है पुजारी किसी और देवी पर फूल चढ़ा रहा। बोलते क्यों नहीं, जवाब दो। ये बाल तो देवी माँ के। हाँ हाँ सरकार, स्वयं देवी माँ के बाल। क्या देवी माँ के हैं? जी हाँ सरकार, ब्रह्म मुहूर्त में देवी माँ प्रकट होकर श्रृंगार करती है। क्या कहते हो? मैं सच कहता हूँ सरकार, ये चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये चमत्कार किस समय होता है? कुछ 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में। ये बात है तो हम ठीक 4 बजे आएंगे। अगर देवी माँ हमारे सामने प्रकट न हुई तो ये जबान काट देंगे जो हमारे सामने झूठ बोलने की हिम्मत रखती है। मल्लैया, मंदिर को घेरे में ले लो, ये कब की भागने न पाए। अब भी गोपी का नाम ले दे तो बच जाएगा। माँ, माँ, मत बजाइए, इस चार का घंटा मत बजाइए देवदास जी, ये मेरे बेटे के काल का बुलावा है। सरकार को जगाने के लिए रात भर तूने नाक में दम किए रखा, अब हमें अपने काम से रोकता है। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता बुड्ढे। अरे हट जा। क्या तुम तैयार हो देवी माँ के दर्शन कराने के लिए? देवी माँ पर किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ। किसके सामने प्रकट होती है? उसके सामने सरकार, जो तन मन और वचन से पवित्र हो। क्या मतलब? तो कल का पुजारी नायक पवित्र होने का इल्जाम लगाता है, एक बहाने के पीछे अपना अपराध छुपाता है। क्षमा कर दीजिए सरकार, बच्चों से भूल हो ही जाती। ये बच्चा नहीं सबोलिया है, जिसका दिया खाता है उसे ही रत्न आता है। एक तो हमारे सामने झूठ बोला, दूसरे हम पर अपवित्र होने का इल्जाम लगाया। हम तो पहले ही जानते थे कि सबका पट्टा इसका। संस्कारों के पिटे हुए हम पूजा करने जरूर आते, लेकिन जानते हैं कि इस पत्थर की मूर्ति में इतनी शक्ति कहां। देवी माँ के लिए ऐसा मत करिए सरकार। हट जाओ, देखने दो देवी को, खोल दो प्रकोष्ठ के पट। नहीं सरकार, नहीं, क्षमा सरकार, क्षमा। दुआई है आपके उस नमक की जो मैंने बच्चों खाया है, दुआई है सरकार की। हट जाओ, बोलते क्यों नहीं? कहां गया तुम्हारा वो चमत्कार? जवाब दो, जवाब दो। गीतों
के फूलों की माला बनाकर, गीतों के फूलों की माला बनाकर लाया हूँ दिल आरती में सजा कर, ये सांसों की सरगम करूँ तेरे अर्पण। मैं ठहरा भिखारी, तुझे और क्या दूँ, मैं ठहरा भिखारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना जा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, मन के बुझे दीप हंस कर जलाती, जपे दिल की धड़कन तेरा नाम हर दम। उतर ज्योत किरणों की लेकर सवारी, उतर ज्योत किरणों की लेकर सवारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना वंदना सुन हमारी, है भंजना। गगन तलक मैं पलक पसारू, एक झलक दिखला जा, मुझ पे तरस कर एक पल हंस कर, ज्योति धार बरसा जा। मेरी लाज तेरे हाथ भर दे, विषय विकार में पड़े हुए तुम लोगों को भूल गए, पर माँ अपने बच्चों को नहीं भूली। निकल जाओ इस मंदिर से, इसे अपनी काया से पवित्र न करो। गीतकार है और आपकी नजर में मैं एक नर्तकी, जो खुद ही दलील हो वो किसी को क्या दलील कर सकती है। मुझसे पूछे बिना मेरा कर्जा चुका दिया, मेरे गीत खरीदकरों के मालिक बन बैठी,
देवी माता के मंदिर से आ रहे हैं आप? हाँ, अपने दुर्भाग्य पर रोता हुआ आ रहा हूँ। देवी माँ की पूजा के लिए गाना होगा और उसके लिए भी तुम जैसी पतिता की आज्ञा लेनी होगी। मेरा कर्ज चुका कर आप देवी माँ के सामने गा सकते हैं। क्या चाहती हो तुम? देवी माँ का प्रसाद, देवी माँ का सिंदूर जो आपके माथे पर है। आप मुझे पतिता कहते हैं मगर देवी माँ पतित पावन है, तो फिर सिंदूर से मेरे माथे का कलंक भी मिटा दो। धन्य हो देवी माता, धन्य हो देवी माँ। गोपाल के हाथ से सिंदूर भेजकर मेरे माथे पर सुहाग बिंदी लगवा दी। अब मेरा जीवन सफल हो गया माँ, अब मेरा जीवन सफल हो गया माँ। मारी, रोज तू मुझे ढूंढा करती थी, आज मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। मुझे ढूंढ रहा है क्यों? मेरे कपड़े निकाल दे, सबसे अच्छा जोड़ा निकाल दे माँ। आज क्या बात है? आज शिवरात्रि है ना, महाआरती का अवसर, मैं पार्वती के मंदिर में जाऊंगा। तू कब से मेरा गाना सुनना चाह रही थी, तेरी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अरे मैं अभी लाती हूँ। सुन माँ, मेरे कपड़ों पर केसर का छींटा दे देना। क्या मतलब? अरे आज जरा गोपाली सब पर विजय पा रहा है। हाँ हाँ, मैंने गोपाल के गीत छुड़ा लिए और अपने आप को गिरवी रख दिया। गौरी मैया, ये शरीर मैं तुझे ही अर्पण करती हूँ। रह गई मैं उनके चरणों में नमर सकी। अजी उसका क्या मुसीबत? तो जोशी जी, क्या हुआ रमैया, क्या हुआ? अजी जोशी जी, सुना नहीं आपने? सरकार ने गोपाल को हुक्म दिया था कि सुल्तानों को संगीत सुनाए बिना तुमने कहीं और गा दिया तो तुम्हारी जबान काट ली जाएगी। इस पर भी वो आज रात मंदिर में गा रहा है। मंदिर में गा रहा है? जी हाँ। ये मूला नक्षत्र जन्मा आप पर भी भारी और बाप पर भी भारी। माँ मैं कैसा लगता हूँ? अरे जयजलाल मेरा दुल्हन को लेने जा रहा है अपनी। दुल्हन? कैसी दुल्हन? माँ तो ठीक कहती थी, गोपी सच में छड़ जाई निकली। अरे बाहुली, गोपी क्या है तू क्या जाने? ये एक माँ की ममता भरे दिल से पूछ, एक पत्नी की मांग में पड़े सिंदूर के तीखे रंग से पूछ। क्या मतलब? वो एक देवी है, जब तेरे कारण तेरे पिता को राज दरबार से खतरा हो गया था, मैं उसके पास तेरी भीख मांगने गई थी। माँ तू गोपी के पास गई थी? हाँ बेटा, जब मेरा सुहाग बचाने के लिए अपना सुहाग तर दिया, तुझे छोड़ दिया। माँ क्या ये सच है? क्या ये सच है माँ? गोपी मैं तो तुम्हें और तुम मुझे, लेकिन लेकिन अब तो मेरे पास समय भी नहीं रहा। खैर जन्म जली, मंदिर में गा रहा है, जाने कैसे कैसे लोग आए होंगे, कहीं नजर न लग जाए मेरी लाडली को। अच्छा बेटा,
अगला कहीं का क्या रहे मेरी पत्री में? जब अपने लेख ही जल गए तो तुम्हारी पत्री क्या देखूंगा? आज उस कपूत के कारण मुझे यहां भी आना पड़ा है। कहिए मुझ पापिष्ठा से कौन सा काम आन पड़ा है? काम? काम और क्या होगा? सरकार ने गोपाल को हुक्म दिया था कि इस महल के कहीं भी और गाओगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हे भगवान, इसलिए गा रही है? हाँ, उसे रोक ले। उस उल्टी बुद्धि वाले को तू ही रोक सकती है। मुझे तो उसने बचपन ही से दुख किया है, मगर अब अगर उसने मंदिर में गाया तो उसकी बूढ़ी मां ना बच सकेगी। उसे रोक ले गोपी, उसे रोक ले। हे भगवान, ये कैसा रिश्ता है? मैं गोपाल की कुछ भी नहीं और सब कुछ हूं। पहले मां आई थी कि गोपाल को छोड़ दे, नहीं तो बाप मर जाएगा। ये बड़ी नाटकी हमारी होने वाली है। हाँ, मगर सरकार आपकी आज्ञा को छोड़कर गोपाल मंदिर में गा रहा है। कैसे गाएगा? हम उसकी जबान खींच लेंगे। सिपाहियों को ले चलो। अच्छा, लेकिन सुल्तान तो यहाँ नहीं है, वो मोर्चे पर गए हुए हैं। चाहती क्या? अपने बेटे की भीख चाहती हूँ सुल्ताना। मैं उस मन भागे गोपाल की माँ हूँ जिसे गाना सुनाने से इनकार कर दिया है। जब ही तो उसकी गर्दन काट देने का हुक्म साध हुआ है। नहीं 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 बेटे, तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो एक गोपाल की माँ हूँ, पृथ्वी तो सारे दुर्ग की माँ है। लेकिन हम कर ही कह सकते हैं, ये सुल्तान का हुक्म है। सुल्तान सुल्तान यहाँ होते तो मैं उनसे पूछती। माँ होने के नाते, बेटे होने के नाते मेरे लाडले को बचा। अगर तू कहेगी तो किसी दिन गोपाल को यहाँ लाकर मैं तुझे गाना सुनवा दूंगी। जन्म जला सिवा माँ के और किसी की बात नहीं मानता। मैं न जानती थी माँ, सरकार का इसमें इतना बड़ा हाथ है। तूने हमें हमारा फर्ज याद दिला दिया। सुल्तान मैदान जंग से लौटने ही वाले, तू ठहर। हमने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज तेरे बेटे के लिए हम उनके हजूर। क्या उन्होंने कभी सोचती जबान में अपनी माँ से जिद नहीं की? क्या उन्होंने कभी खेलने को चार नहीं मांगा? पर बेचारे सुल्तान क्या जाने, ये पापी सरकार अपने स्वार्थ के लिए मेरे बेटे के पीछे पड़ा है। क्या मतलब? बेटी, ये आग उसी सरकार की लगाई हुई है जो मेरे बेटे को एक नर्तकी के रास्ते का कांटा समझता है। क्या ये सच है कि सरकार की जाति पुरखाश के लिए ऐसा कर रहा? और नहीं तो क्या? तो जानू हो जाएंगे और छोली फैलाकर भी तेरे बेटे की सलामती की भीख मांग लेंगे। बेटी बेटी, मैं तो आशीष भी क्या दू? भगवान करे तेरे सुल्तान का नाम किताबों में लिखा जाए। अब तो बुला ले
दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों में तेरे दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों में तेरे चरणों में मेरे गीत मेरे संग सहारे मेरे गीत मेरे संग सहारे कोई न मेरा संसार में कोई न मेरा संसार में दिल के ये टुकड़े कैसे बेच दूं दुनिया के बाजार में दुनिया के बाजार में मन के ये मोती रखियो तू संभाले मन के ये मोती रखियो तू संभाले चरणों में तेरे चरणों में सात सुरों के सातों सागर सात सुरों के सातों सागर मन की उमंगों से जागे मन की उमंगों से जागे तू ही बता मैं कैसे गाऊं बहरी दुनिया के आगे बहरी दुनिया के आगे तेरी ये बिना अब तेरे हवाले तेरी ये बिना अब तेरे हवाले चरणों में तेरे चरणों में मैंने तुझे कोई सुख न दिया तूने दया लुटाई दोनों हाथों से मैंने तुझे कोई सुख न दिया तूने दया लुटाई दोनों हाथों से तेरे प्यार की याद जो आए तेरे प्यार की याद जो आए दर्द छलक जाए आँखों से दर्द छलक जाए आँखों से जीना नहीं आया मोहे अब तो छुपा ले जीना नहीं आया मोहे अब तो छुपा ले चरणों में तेरे चरणों में दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों में तेरे 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 चरणों में त
मेरी माँ को अड़पण कर दी, जबान काट दी, जबान काट दी, जबान काट दी। गोपाल, ये तुमने क्या किया? गोपाल जी, गोपाल जी। लड़के तूने बहुत जल्दी की, तूने इंतजार न किया हमारा, हम आ ही रहे थे। हक व इंसाफ का हाथ तुझे बचाने के लिए बढ़ ही रहा था कि तूने झटक दिया। तूने सुल्तान के शजाद देखी, सखावत न देखी, जलाल देखा, मलाल न देख पाया। हमने लड़ाई के मैदान में खून की नदियां बहती देखी, मगर आज तेरे मुंह से गिरे हुए ये खून के चंद कतरे हमारी दिलावरी को चुनौती दे रहे हैं। आज तूने हमें लहूलुहा दिया जालिम, हम तेरी माँ से वायदा करके आ रहे थे, तूने हमें वायदा वफा करने का भी वक्त न दिया। गोपाली, 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 अब हम माँ को क्या मुंह दिखाएंगे? गोपाली कहाँ गया? अरे कहाँ गया? बहन, मेरे गोपाली को तुमने देखा? क्यों भैया, मेरा गोपाली कहाँ है? अरे तुम सब चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? मेरा गोपाली कहाँ है? मेरा गोपाली कहाँ है? क्या हुआ मेरे लाडले को? गोपाली, गोपाली रूठ गया।